सनी देओल फिर से एक बार बड़े पर्दे पर देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा सरप्राइज ये है कि वो जिस मूवी से वापसी करने जा रहे हैं उस मूवी का क्रेज इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मूवी कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी और सनी देओल की फिर से वापसी होगी बड़े पर्दे पर। इस मूवी का नाम है गदर 2 और हमें इस मूवी के स्टार कास्ट में कुछ बदलाव देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि इस बार हमें सनी देओल के लड़के के किरदार में उत्कर्ष शर्मा देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि इस मूवी की कहानी उसी पर आधारित होने वाली है जो हाल ही के दिनों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में घटनाएं घटी हैं। तो इस मूवी की शूटिंग तो चल ही रही है, लेकिन इस मूवी को लेकर कई सारी अपडेट निकल कर सामने आई हैं। दोस्तों गदर 2 जो कि एक एक्शन रोमांटिक मूवी होने वाली है और इसके मेन लीड रोल में सुपरस्टार सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा को आप देख पाओगे और इस मूवी की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां पहले पार्ट की खत्म हुई थी। और इस मूवी में हमें दिखाया जाएगा कि सनी देओल का लड़का अब बड़ा हो गया है, लेकिन अब उनका परिवार बॉर्डर के पास ही रहता है जिसकी वजह से उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है, जिसके आगे कहानी जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी होगी। और ये मूवी आपको 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों गदर 2 मूवी के बारे में आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे एक लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।